ये डिजिटल भिखारी हैं और शायद से इंडिया के इकलौते ऐसे भिखारी हैं जो स्कैनर से पैसा लेते हैं, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। डिजिटल भिखारी राजू के साथ मैं बैठा है। कहाँ से मिला ये फोन आपको? आपको लाओ। वाह वाह, डिजिटल भिखारी राजू प्रसाद, देखिए ना यार, चतुर इंसान हो है? चतुर हो या नहीं? कितना रुपया लोग डाल देते हैं दिन भर में? दिन भर में 50-60 बार। तो मैं आधुनिक बिहार के आधुनिक भिखारी के पास हूँ, यानी डिजिटल भिखारी राजू के साथ मैं बेतिया जिले में हूँ और इनका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और आज मुझे ये स्टेशन पर डिजिटल तरीके से भीख मांगते हुए मिल गए। क्या नाम हुआ आपका? राजू। इसको रख लीजिए फोन, बड़ा लंबा फोन लिया चाचा। हाँ। बड़ा बहुत बड़का फोन है। कहाँ से मिला ये फोन आपको? खरीदे हैं? कितने का खरीदे? 11,000 का। तो चला लेते हैं। हाँ। अच्छा, क्या देख रहे हैं अभी? अच्छा, अपना वीडियो देख रहे हैं, अपना ही वीडियो ये अपने फोन में देख रहे हैं। और इसको रखिए थोड़ा, तो आपके बारे में लोगों को बताएंगे। ये डिजिटल भिखारी हैं और शायद से इंडिया के इकलौते ऐसे भिखारी हैं जो स्कैनर से पैसा लेते हैं, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, यूपीआई वॉलेट से पैसा ही ले लेते हैं। कैश वैश भी लोग देते हैं या इसी में ट्रांसफर करते हैं? इसी में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, कैश भी देता है कोई कि नहीं? देता है। हाँ, आपको पता है बहुत वायरल हो गए हो। हाँ। पता है आपको? हाँ। कौन वायरल किया था? आप लोग। हाँ, नहीं, ये एक प्रिंस जी हैं बेतिया 24 न्यूज वाले, उन्होंने आपको वायरल किया था। हाँ। ये मैं देख रहा हूँ स्कैनर, इसमें कितना रुपया लोग डाल देते हैं दिन भर में? दिन भर में 50-60 बस ना, और ज्यादा आता होगा? हाथ में मिलता है 50-60 बस, और 50-60 रुपया मिलता है इसमें से। अच्छा, ज्यादा कैश लोग देते हैं या स्कैन करते हैं? स्कैन ज्यादा लोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए एक चीज हमको कि फोटो तो भी लोग खिंचाते हैं? अच्छा, तो ये पहले भी भिखारी थे या ऐसे ही बने? नहीं, पहले ऐसे ही मांगते थे, पहले ऐसे ही मांगते थे, बाद में डिजिटल जमाने में डिजिटल भिखारी बन गए। अच्छा, तो डिजिटल भिखारी बनाया किसने? स्कैनर उस्कैनर किसने लगाया? जो यहाँ पर टेम्पू बनाता था। हाँ। था। हाँ, जो टेम्पू में बनाता था। हाँ। उसी ने बना दिया। हाँ, उसी हमको बनाया। अच्छा, तो इसको बड़ा संभाल के रखिएगा, नहीं रात में तुम सो जाओगे और ये कोई स्कैनर अपना लगा गया तो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। नहीं। हाँ। इसका इसी में रख के सोते हैं। अच्छा, इसमें रख के सोते हो? हाँ, वाह वाह वाह, चतुर इंसान हो है? चतुर हो या नहीं? चतुर हो, इसमें डाल के सोते हो। अच्छा, कोई परेशान तो नहीं करता है? फोन ओन ले रखे हो? पूछता होगा लोग ना। तो बैंक में पैसा आता है? तो उसमें से क्या, और पेमेंट कैसे लोगों को करते हो? कैसे जब खाना ना खाते हो तो पेमेंट कैसे करते हो? अब नहीं होता है ना, अब बैंक में जाए। अच्छा, तो उनको खाना वाले को पैसा कैसे देते हो? कैसे? अब उनको देते हैं सिक्का से। हाँ। तो सिक्का उक्का भी है? हाँ। दिखाइए ना। हाँ। अच्छा, मैं भी कुछ स्कैन करके डाल दूँ? हैं? डाल दूँ? डाल दी। हाँ। अच्छा, बड़ा बड़ा चर्चा है आपका, पहले सुना गुंडा उंडा भी थे कह रहे हैं लोग, कह रहे बेतिया के गुंडा थे। नहीं। हाँ। अच्छा, ये कपड़ा कौन दिया? तो बेतिया नगर निगम का वो बैनर लगा के बैठे हो तुम? खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। ये बेतिया नगर निगम की कोई प्रत्याशी का झंडा तुम पहन लियो चाचा। हाँ, भाभी हमको नहीं है। कौन भाभी? सिकारिया भाभी। कौन सी भाभी यार? सिकारिया भाभी। अच्छा, सिकारिया भाभी दी। हाँ। है तो नाम लिखा के दी है अपना। हाँ। अच्छा, मतलब प्रचार भी कर रहे हो? हाँ। तो पैसा ले रहे हो प्रचार करने का? हाँ, देते हैं। अभी 100 रुपया देते हैं। लाओ लाओ स्कैनर लाओ, मैं कुछ पेमेंट करता हूँ आपको, लाओ। वाह वाह, डिजिटल भिखारी राजू प्रसाद, देखिए ना ये आ गया है, जूम कीजिए, डिजिटल भिखारी भिखारी राजू प्रसाद। अच्छा, मैं तुमको 100 रुपए का पेमेंट, 101 रुपए का मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, खुश हो जाओगे ना? ठीक है, मैं देखो ये देखो, इससे बढ़िया न पर्स खोलना, न छुट्टे का दिक्कत है, ना रोकड़ा का दिक्कत, ना बहाना कि पैसा सिक्का नहीं है, सीधा स्कैन करो बस। ये देखो 101 रुपए का इनको भिखारी, डिजिटल भिखारी पर इनके मैंने पेमेंट कर दी। बैठिए, पहले आदमी कहता होगा कि सिक्का नहीं है ना? कहता था ना? अच्छा, पैसा नहीं है कहता था लोग ना? अब पर्स भी नहीं है तो अब उसका सबका झंझट खत्म। अब हो तुम्हारे पास या ना हो, सीधा स्कैन करो है। अच्छा, तो लोग मदद उदत करते हैं। हाँ। झोला में क्या रखा है?
सिक्का। वाह बचा के दिखाओ एक बार। वाह वाह ये समोसा गिर गया। रख ये कौन दिया था? बहुत बहुत अच्छा समोसा खिलाओगे? अरे चाचा ने दिल जीत लिया। पता है गरीब आदमियों के अंदर यही तो महानता है उनकी। गरीब आदमियों के अंदर दिल होता है। देखिए ना कोई बड़ा आदमी से कहिएगा ना कि समोसा दे दीजिएगा तुम, महाराज समोसा क्या तुमको पानी तक नहीं देगा, ये तो अपना समोसा हमको ऑफर कर दिए। डिजिटल भिखारी अगर कुछ लोग इनको पेमेंट भी करना चाहते हैं तो एक बार क्लियर स्कैन कीजिए इनका। लोग स्कैन करके हो सकता है पेमेंट कर दें, जो है इस पे स्कैन करके लोग पेमेंट भी करेंगे। तो कहाँ कहाँ से पैसा आया? इंडिया से आया ये और कहीं से? नहीं खाई अब बिहार से आता है, अब लोग और देंगे। अच्छा ये बताइए बेतिया छोड़ के और कहीं गए हो आप? कहीं नहीं, यही स्टेशन पे ही रहते हो। अच्छा लोग देखते होंगे, फोटो तो खिंचाते होंगे, वीडियो भी बनाते होंगे। अच्छा लालू यादव से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं हमको नहीं पूछता नहीं, खाना पानी पहले खाना पानी देते थे। हाँ, अब नहीं देते हैं? नहीं। अब बड़का आदमी बन गए हैं। बड़का? हाँ, बड़का आदमी बन गए ना। हाँ, तो फोन नंबर था पहले? हाँ पहले फोन नंबर था। अब जब जागे हम मांगे खाने निकल लिए। हाँ, अब नहीं देते बजा के डाल दिया। हाँ तो जेल में तो चले गए अबू? नहीं हाँ तेजस्वी जो है ना। तेजस्वी हाँ ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? हाँ। तो रोज तुम फोन करते रहोगे? नहीं रोज नहीं। रोज नहीं करते थे? परेशान कर दिया होगा? ना महीना में एक बार। महीना में एक बार? हाँ। अच्छा मित्र थे क्या? हाँ। नहीं भाई थे। भाई थे दोस्त? हाँ। अच्छा नहाते कितने दिन पे हो? चुरकी उर्की भी रखी है? चोटिया ये दिखाई इधर 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 चोटिया भी रखी है? पंडित जी है क्या? अब मंदिर में है ना। अच्छा मंदिर में रहते हैं? हाँ। वाह रहते मंदिर में हो रात? हाँ। में तब जो है अब डिजिटल भिखारी हो गए। हाँ। तो कोई मांगता उंगता नहीं है पैसा कि दे दीजिए? अच्छा शादी वादी नहीं हुआ है? नहीं। बीबी बच्चा कुछ नहीं है? नहीं माँ है, नहीं बाप है। बाप माँ है कहाँ पे? नहीं है? नहीं। तो मतलब शुरू से ही नहीं पता कि माता पिता का, मतलब शुरू से ही भिखारी थे आप। अच्छा पढ़े कितना हो? इतना बड़ा है हमको पब्लिक के खेत में प्याज के कौन से खेत में प्याज के अलहरी के पब्लिक हमको। हाँ पब्लिक। अच्छा इतना बड़ा है। अच्छा ये आवाज कब बदला? बचपन से ही। हाँ। क्या दिक्कत है इसमें? दांत खत्म है। दांत सही हो सकता है? हाँ बन सकता है। पैसा लगेगा? हाँ। कितना? तो लोग 50-60 हजार रुपया अगर स्कैन करके दे देंगे तो करवा लीजिएगा इलाज। हाँ बनवा लेंगे। चलिए हम आएंगे कुछ दिन बाद फिर पूछेंगे कितना पैसा आया, लोग देंगे आपको। ठीक है? हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा। करेंसी नोट देते हैं? चलिए इस वक्त हमारे साथ आधुनिक भारत के आधुनिक बिहार के आधुनिक डिजिटल भिखारी थे जो है राजू प्रसाद उर्फ डिजिटल भिखारी के नाम से लोग इनको जानते हैं। और ये पैसा कैश वैश में बहुत कम लेते हैं, गूगल पे फोन पे में सीधा अपने बैंक में मिलवाते हैं। अच्छा किसी दिन मान लीजिए लाखों रुपए आ गया तो इनकम टैक्स वैक्स भी देना पड़ेगा? दोगे? नहीं दोगे? पैन कार्ड बन गया। पैन कार्ड बनवा लियो? वाह वाह बहुत बढ़िया। तो ये मांग वांग रहे थे हम इनको देखे तो हम कहे रुकिए पैन कार्ड रहने दीजिए मत दिखाइए हैं, बाद में देख लेंगे। अच्छा ये क्या है? अच्छा अरे बाप रे बाप बड़ा सेफ्टी से रखे हो चाचा हैं। वाह वाह अब मोदी जी को भी रखे हो? अच्छा मोदी जी ने डिजिटल जमाना शुरू किया था तुमसे प्रभावित हो? ई श्रम कार्ड भी बना, आधार भी बना है, पैन भी बना है। पिता का नाम पता है आपको? प्रभुनाथ प्रसाद। अच्छा पिता का नाम पता है? चलिए मित्रों इस वीडियो को दिखाने का मकसद इतना था कि कहीं ना कहीं ये आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग सिक्के का पहले हवाला देते थे, नोट का हवाला देते थे, पैसे का हवाला देते थे, लेकिन उन सब हवालों को ही हवाले में रख दिए हैं और अब ये बन गए डिजिटल भिखारी। यानी आपका बहाना इनके सामने नहीं चलेगा, आपके अकाउंट में पैसा है तो उसका ये उसी से पैसा आपसे ले लेंगे। यानी हवाला रखिए हवाला में और डिजिटल भिखारी को कीजिए कैशलेस पेमेंट। क्यों? चलिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद। अच्छा 101 रुपए मैंने डाल दिया तो पता कैसे चलेगा कहाँ गया है? मैसेज आया? हाँ, मैसेज आ जाता है। वाह वाह चलिए धन्यवाद मित्रों।